आप लोग इस मीटिंग में आए, क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं कि एक एकेडमिक काउंसिल चल रहा है जिसमें यूनियन को नहीं बुलाया गया और हम लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात उससे बड़ी कि स्टूडेंट का मुद्दे पे पूरी बातचीत होगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का बात होगा, एक सेंट्रलाइज टाइम टेबल का बात होगा और उसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। MCM के पे बात करनी है, हमें बहुत सारी बात करनी थी जो भी वो नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन बात उससे भी गहरी है, क्योंकि पहले एकेडमिक काउंसिल इस बड़े से बिल्डिंग में जहाँ पे चार चार पाँच पाँच दरवाजे हैं, शायद कुछ चोर दरवाजे भी हैं, उसमें नहीं हुआ करता था, SSS में हुआ करता था, जहाँ पे आप अगर बाहर अपनी बात रख रहे हैं ना तो अंदर बात पहुँच पाती थी, वहाँ सुन पाते थे आप, डायरेक्टली बातचीत कर पाते। और इस कन्वेंशन सेंटर को बनने का भी बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी है कि यह कन्वेंशन सेंटर जो बना था ना, वो OBC का रिजर्वेशन जब लागू हुआ इस कैंपस में तो पैसे आए थे इस कैंपस में कि इतना जब संख्या बढ़ा है तो उसके साथ साथ टीचर बढ़ाने हैं, उसके साथ साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने हैं ताकि जो नए स्टूडेंट आ पाए हैं वो सही से पढ़ पाए, सही तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, बुक्स, लाइब्रेरी, सबके लिए पैसे आए थे। लेकिन उसकी जगह बनाया क्या गया, ये ग्रैंड बिल्डिंग जहाँ पे क्या होता है हमें सब पता है, देख रहे वाइस चांसलर कुछ दिन से क्या क्या करते हैं, RSS के लोगों को इन्वाइट करते हैं, वहाँ पे अपनी शाखा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और ये जो हमने पिछले साल एक पूरा मूवमेंट चलाया सीट कट को लेके, वो सीट कट को लेके अगर आप देखिए तो क्या बोला जा रहा है, एक कैप लगा दिया गया कि प्रोफेसर इतने टीचर लेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर इतने लेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर इतने लेंगे, और ये करते हुए बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूड किया गया। MPhil PhD में 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आ पाए, तो वो जो पैसा घपला हुआ था इस कन्वेंशन सेंटर को बनाने की वजह से, उसकी वजह से आप दूसरा पॉलिसी ला के इतने लोगों को एक्सक्लूड करते हैं। तो ये एक घपला के अंदर एक और घपला चल रहा है, उस घपले का नाम है ऑनलाइन एग्जाम। और उस ऑनलाइन एग्जाम में क्या है, ऑनलाइन एग्जाम के नाम पे बोला जा रहा है कि हम ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट करेंगे और ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू कोई ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जो हमारा पहले का एग्जाम चल रहा था उसमें दिक्कत कहाँ थी, आपको आपको चेंज करना, किसी भी सिस्टम से दिक्कत हो सब आप चेंज करने की बात करेंगे। लेकिन हमारा जो पुराना सिस्टम है सही से चल रहा था, जहाँ पे सेंटर को ऑटोनॉमी थी, सेंटर अपने तरीके से क्वेश्चन सेट कर पाता था, उस सबको हटाते हुए एक नया सिस्टम लाने की बात चल रही है। सबसे पहले ये ऑनलाइन एग्जाम को लेके है क्या कि एक एक्सटर्नल कमिटी होगा, जो पहले तो टीचर को बोला गया कि 8 तारीख तक आप क्वेश्चन पेपर दीजिए, और वो भी ऑब्जेक्टिव हम आपसे लेंगे, कुछ एक्सटर्नल कमिटी से लेंगे, एक बैंक बनाएंगे और उसमें से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी देने हैं। तो इसमें है कि अगर हम पुराना इतिहास ही हमें सब सिखाता है, तो SSC का एग्ज़ाम पूरा पिछले कुछ दिनों की बात है, लोग जो एग्ज़ाम करवा रहा था एक्सटर्नल कंपनी, उसके पास क्वेश्चन भी है, आंसर भी, हो क्या रहा है, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आप लिख रहे हैं कुछ और, कहीं और से कोई और हैंडल कर रहा है, तो ये तो होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में, उसकी क्या गारंटी होगी कि ये गड़बड़ी इस एग्ज़ाम में नहीं होगी। और जहाँ आप बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी की, कल के पब्लिक मीटिंग में निविदता मेनन ने बड़े ही अच्छे से बताया कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने सब्जेक्टिव होते हैं, उसमें कितना बायसेस होता है। कुछ मेरा साइंस के स्कूल से बात हो रही थी तो वो बोले कि ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है। मैंने पूछा कि सोशल साइंस इतना बड़ा डिपार्टमेंट इस कैंपस में है, उसके बारे में उसमें जो सब्जेक्टिविटी है, जो क्वेश्चन कोई क्वेश्चन करता है, उसकी बात कहाँ से होगी। मैंने उनको बोला कि आपके लिए वर्क डिफाइन है फॉर्मूले से, फोर्स इनटू डिस्टेंस जो आपका है, लेकिन हमारे लिए वर्क एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो हमें 4-5 क्लासों में सिखाया जाता है कि आखिर काम क्या है, काम को कैसे डिफाइन करते हैं, क्यों सिर्फ एक पर्टिकुलर काम काम होता है, दूसरा काम काम नहीं होता है, क्यों महिलाओं का काम रिकॉग्नाइज नहीं होता है, ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी तो आने चाहिए क्वेश्चंस में। अगर वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा तो कैसे हम पता करेंगे कि इनको सिलेक्ट करना है नहीं करना। इसके साथ साथ वाइस चांसलर का ये जो पूरा मनसा है कि ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू अपने लोगों को घुसाने का, तो सीधा सीधा बोल दो ना कि शाखा से हम कुछ लोग उठा के ले आते हैं, कर दो वो। इसीलिए मैं दूसरा जो मुद्दा है सेंट्रलाइज टाइम टेबल का, कि 9 बजे क्लास कौन लेगा, उसमें सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ाएगा, अगर सब आपको ही डिसाइड करना है तो इतना बड़ा कैंपस बना के क्यों रखा है, टीचर को ला के क्यों रखा है। आप सीधा बोल दो कि शाखा से ऑनलाइन आएगा क्लासेस, आप लोग टीवी के सामने बैठिएगा, जो होगा कर लीजिएगा, बिना बात का ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत है। इतना पैसा खर्च करके
एक एग्जाम लेंगे जिसमें वही होगा जो यूजीसी के नेट में होता है, तो आप सीधा सीधा उनका जितना भी सबसे हाईएस्ट स्कोरर है उनको ले लीजिए सीधा सीधा। और हमारे, मैं यहाँ से ये कहना चाहती हूँ कि JNUSU इस एकेडमिक काउंसिल को नहीं मानता है, क्योंकि एकेडमिक काउंसिल के थ्रू ही JNUSU को एक परमानेंट इनवाइटी बनाया गया था कि कोई भी मुद्दा हो, स्टूडेंट पे अगर बातचीत होनी है, एडमिशन पे बातचीत होनी है, तो JNUSU को बुलाना उनके लिए जरूरी है। आज JNUSU को नहीं बुलाया गया है, वहाँ पे अपनी मर्जी से डिसीजन लेने वाले हैं। तो हम यहाँ से कहना चाहते हैं, एकेडमिक काउंसिल में आपको जो डिस्कशन करना है कर लीजिए, हम उसको नहीं मानते हैं। और रही बात JNUSU को ना बुलाने की, जैसा कि बालाजी ने बताया कि ये बोला जा रहा है कि हम लोग अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं, तो ऐसा आज सुबह सुबह एक नोटिस आता है रजिस्ट्रार का बोलते हुए कि न्यूली इलेक्टेड JNUSU ने एक स्ट्राइक का कॉल दिया है, और कोई भी हिंड्रेंस करे तो वो आप कंप्लेन कीजिए, उसके लिए JNUSU आपको दिख रहा है, लेकिन अंदर बुलाने के लिए डिस्कशन और डिबेट के लिए JNUSU नहीं दिख रहा है। यही हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा कैसा है, आपको समझ में आता है कि एक तरफ JNUSU है, दूसरी तरफ नहीं भी है, ऐसा लग रहा घोस्ट बन गए हैं हम है भी हम नहीं भी। तो इसीलिए ये जो हमारे अंदर लोग बैठे हैं उनको साफ साफ ये क्लियर बोल देना चाहते हैं कि आपको जो डिस्कस करना है कीजिए, हम नहीं मानेंगे। और जहाँ तक रही बात आपको हमें मानने की ना मानने की, इतने सारे स्टूडेंट ने वोट करके हमें माना है, और इसीलिए बार बार आपकी भी मजबूरी हो गई है मानने के लिए, वरना आप तो मानना नहीं चाहते थे। जो इलेक्शन के पूरे दौरान जिस तरह से बातचीत हुई, जिस तरह से लोगों ने एक्यूजिशन लगाया कि हम इसी के इस इलेक्शन कंडक्ट को नहीं मानते, इसमें घपला हुआ है, हम JNUSU को नहीं मानते, आपने बहुत कोशिश की लेकिन उस वो कोशिश नाकामयाब हुई। और इसीलिए आगे आने वाले दिनों में भी ये सिर्फ हम नहीं बताएंगे कि क्या है नहीं है JNU, ये JNU का छात्र ही आपको बताएगा कि क्या है JNU। JNU को बचाने के लिए, बनाने के लिए ये JNU के छात्र ही उनको बनाए हैं। इस कैंपस में हम लोग कहते थे कि JNU की दीवारें सिर्फ इसलिए नहीं लाल है क्योंकि ईंटें लाल हैं, क्योंकि इनको बनाया गया है। हर एक कदम जब हम रखते हैं, हर एक जब चप्पल खींचते हैं, जब खून निकलता है, उस चीज से बनाया गया है। हर एक पॉलिसी के लिए हम लड़े हैं, और उस लेगेसी को ही आगे रखते हुए हम यहाँ खड़े हैं। उस पॉलिसी के लिए, जिस प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव पॉलिसी, एडमिशन पॉलिसी हम बोलते थे, जिसके तहत रिजर्वेशन के साथ साथ डेप्रिवेशन पॉइंट होना पड़ेगा। अगर एक ही घर में लड़का भी होता है, लड़की भी होता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसीलिए जेंडर डेप्रिवेशन की बात की गई थी कि जेंडर डेप्रिवेशन पॉइंट्स होना पड़ेगा 5 पॉइंट। इसी तरह हम लोग का डिमांड हमेशा से रहा है कि हर तबके का लोग, रीजनल डेप्रिवेशन पॉइंट्स का बात रहा है कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन एक तरह का नहीं होता है, आप शहर में पल रहे हो या गाँव में पल रहे हो, इसका भी असर दिखता है जब आप एग्जाम लिखते हैं। वो 5 डेप्रिवेशन पॉइंट की हम बात करते हैं। और आज हमारे कैंपस में एक दूसरे तरह का एक्सक्लूजन भी हो रहा है। अगर आप ध्यान से जो हॉस्टल लिस्ट आई है, 4 हॉस्टल लिस्ट अभी तक आई है, आप उसको उठा के देखिए, आपका नाम क्या है उसके अनुसार आपको हॉस्टल मिल रहा है। माही मांडवी हॉस्टल में एक मुस्लिम को अभी तक हॉस्टल नहीं मिला है। ऐसा कैसा हो सकता है कि आप बोल रहे हैं कि इस बार अलॉटमेंट हॉस्टल का रैंडमली हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहा है, और कंप्यूटर का आपका नाम पता है कि आपको माही मांडवी हॉस्टल नहीं मिल रहा है। ये जो लैटरल एंट्री बंद करने की बात हुई है BOS में, उसको स्टूडेंट टीचर सबने मिलकर रिजेक्ट किया, क्योंकि स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में पता है कि सेकेंड ईयर का एडमिशन कितना जरूरी होता है। फर्स्ट ईयर में बहुत सारे लोग आते हैं और वो अपना जो कोर्स है वो बदलते हैं, सेकेंड ईयर में बहुत सारे लोग आते हैं जो कहीं और पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि इफ्लू में कुछ क्लासेस होती हैं, वहाँ से सेकेंड ईयर में लोग आते हैं, लेकिन इस बार उनको बोला गया कि लैटरल एंट्री बंद होगा। और उसमें भी एक एक्सक्लूजन मैं बताना चाहूँगी, एक जो बहुत बड़ा लैटरल एंट्री जो SL में होता है वो अरेबिक, पर्शियन और उर्दू में होता है, जिसमें लोग मदरसा का बोर्ड का जो सर्टिफिकेट होता है वो रिकॉग्नाइज होता है, और उसके थ्रू एक एडमिशन बड़े तबके का होता है। अगर हम ये 3 सेंटर हटा दें तो हमारे कैंपस में मुस्लिम पॉपुलेशन 2% तक नहीं है, और इसीलिए बहुत दिनों तक एक डिमांड रहा है कि 5 पॉइंट मुस्लिम डेप्रिवेशन पॉइंट होना चाहिए, लेकिन आज जितने भी लोग हैं इस कैंपस में उनसे भी कुछ लोगों को खटकता है कि आखिर ये लोग क्यों है यहाँ पे।
और इसीलिए आप देखिए नजीब को, ऐसा नहीं था कि वो इनोसेंटली गायब किया गया था, वो सिस्टमेटिकली उसको मारा गया, उसको गायब किया गया, ताकि एक जो पूरा एक कम्युनिटी इस कैंपस में है उसको इनविजुअलाइज कर दिया जाए, उनको हमारे कैंपस से गायब कर दिया जाए। और जो पॉलिटिक्स आज हमारे कैंपस में है वो आज इस देश की रियलिटी है। हर जगह आप देखिए जो दंगे होते हैं, उस दंगों में एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। और इस तरह की चीजें जब हमारे कैंपस में हो रही है तो एक जरूरत है कि हम एकता के साथ ये खड़े रहे। और ये जो सिस्टमेटिकली इनविजुअलाइज करने की कोशिश की जा रही है ना, उसको एक्सपोज करें, हम ये दिखाएं कि कैसे आप ये कर रहे हो और आप हम आपको लगता है कि हम नहीं देख रहे, तो उनको बताने की जरूरत है कि हम रिसर्चर ही हैं इस कैंपस में और ये कैंपस बना था रिसर्चर्स के लिए। और इसीलिए जो जितना भी डिमांड आज तक जेएनयू को बनाने के लिए हुआ है ना, वो हमारे पढ़ाई से हमारे लड़ाई तक के लिए हुआ है। हम जब पढ़ते हैं चीज़ें सीखते हैं तो उसको अपने पॉलिटिक्स में लाते हैं, जब पॉलिटिक्स में लाते हैं तो उनसे हमें कुछ डिमांड्स दिखते हैं, जब वो पॉलिटिक्स में आता है, जब हम रियलिटी में लाने की कोशिश करते हैं तो उनसे कुछ डिमांड्स आते हैं, उस डिमांड के थ्रू ये जेएनयू बना है। और इसीलिए आज ये जरूरत है कि वापस उस जेएनयू को लाया जाए। और उसके लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो इस वाइस चांसलर को इस कैंपस से भगाने की है, क्योंकि उसको लगता है कि वो अंदर बैठे बैठे जो मर्जी होगा वो ले लेगा। बीओएस में जब पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाता है एक पॉलिसी, आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? सबसे पहले उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनको इस कैंपस से दौड़ा के भगाया जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी और बोलूंगी कि हर एक एक जो पॉलिसी लेके एक्सक्लूजन किया गया ना, उस सब का जवाब मांगेंगे हम। और आपसे जब तक आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस कैंपस में आप ठहर नहीं पाएंगे। इसी के साथ बात खत्म करूंगी।